हेलो डी यूट्यूब फैमिली, हर महादेव। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब के चैनल सान्विक ब्लॉग्स में। तो आज आपको देखने को मिलेगा कि हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी, और एक पुरानी तो नहीं कहेंगे, काफ़ी टाइम की रखी हुई एक जीन्स है सौम्या की, उसका कुछ रीयूज़ करेंगे। तो वो देखिए आप, कि आपके लाइक कमेंट्स देख के बहुत ही अच्छा लगता है। अपना प्यार प्लीज इसी तरह से बनाए रखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो जी, दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर का तो नहीं बोलेंगे, 11 बज रहा है और हम कढ़ी जल्दी ही बनाने की कोशिश करते हैं। जब भी बनाते हैं तो 12 से पहले 10-10:30 तक बना पर मतलब हम सोचते हैं कि छोक दें तो 12-12:30 तक बन जाएगी, क्योंकि कढ़ी बहुत देर तक पकाई जाती है, 2 से 2.5 घंटे तक पकाई जाती है। तो देखिए, हमने यहाँ पे बेसन को छान लिया है, उसके बाद में फ्रेश करी लीव्स तोड़ ली है हमने अपने प्लांट से। देखिए कितने प्यारे प्यारे एकदम से ग्रीन कलर के लीव्स हैं। उसके बाद कढ़ाई में हमने तेल डाला, उसमें थोड़ा ज़्यादा सा मेथी दाना डाल दिया, क्योंकि दही है तो उसमें थोड़ा खट्टापन होता है, किसी किसी को नुकसान कर जाता है, ऐसा ना हो इस वजह से मेथी से ही हम हमेशा छोकते हैं। कुछ लोग जीरे से तड़का लगाते हैं, बट हम हमेशा मेथी से छोकते हैं इसमें। उसके बाद स्लाइस की हुई अनियन ऐड कर दी, और ये देखिए उसी भगोने में जिसमें हमने पकौड़ियाँ बनाई थी, बेसन के भगोने में हमने उसमें ही दही डाल के इस तरह से इसको फेंट लिया है, तभी उसका कलर थोड़ा थोड़ा सा येलो क्रीमी टाइप का कलर आ गया है बेसन की वजह से। और इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड कर दिया, और बस अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, खूब अच्छे से इसका एक पेस्ट बना लिया है जिसमें कि बिल्कुल भी लम्स ना रहें। थोड़ा सा पानी डाल के पहले हमने पेस्ट बनाया है ताकि लम्स ना रहें, उसके बाद इसमें हमने नमक ऐड कर दिया, और अच्छे से इसको फेंटने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे, जितने पानी की हमें रिक्वायरमेंट होगी उतना डाल देंगे। यहाँ पर हमने हल्दी डाल दी है, कढ़ी में हल्दी की थोड़ी सी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है इसलिए हमने डाल दिया। और यहाँ पर हमें एक बार और ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें कलर कुछ लाइट लग रहा था। और हल्दी डालने के बाद इसमें हमने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है, तो देख सकते हो आप पानी हमें कितना ऐड करना है। इसको एकदम से पतला घोल बनाना है, इसके सारे सारे लम्स ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए इसमें हम एक साथ पानी डाल सकते हैं। जब ये सूखा था तब हम इसमें इस तरह से बिल्कुल भी पानी नहीं डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप लम्स इसके जो है वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं कर पाओगे, परेशान हो जाओगे आप। तो पहले इसको फेंट लें, उसके बाद इसमें पानी ऐड कर दें। तो देखिए अभी अच्छे से ये घोल बन चुका है, और थोड़ी सी हमें हल्दी यहाँ पे कम लग रही थी तो हमने थोड़ी सी और ऐड कर दी, और बस इसको मिक्स कर लिया। और दूसरी साइड हमारी ये जो प्याज और मेथी है ये भुन रही है, प्याज देख सकते हो अब अच्छे से भुन चुकी है। इसके बाद इसमें हमने 4 ऐसे ही डंटल सहित हमने इसमें 4 हरी मिर्च डाल दिया, और करी पत्ता डाल दिया है, वो भी बिना तोड़े डाला है, क्योंकि छोटे छोटे लीव्स हो जाते हैं, किसी किसी को नहीं पसंद है, जैसे कि पति जी नहीं खाते हैं करी लीव्स तो उनको नहीं पसंद है, वो साइड कर देते हैं, इस वजह से हम इसमें साबुत करी पत्ता डालते हैं। और देखिए उसके बाद में हमने इसमें ये घोल जो हमने बना के तैयार किया था वो घोल डाल दिया है, और थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया, हमें थोड़ा सा कम लग रहा था, जितना पतला हो सके हम इसको लगभग दो घंटे तक पकाते हैं, बिल्कुल स्लो, एकदम से स्लो गैस पर पकाते हैं, तभी हमारी कढ़ी जो है वो एकदम सौंधी सौंधी सी बनती है। और लोहे की कढ़ाई में तो हम मतलब आप जानते ही हो ये बात, हम हर खाने के लिए यूज़ करते हैं, बट कढ़ी हुई तो ये तो कभी हम किसी और बर्तन में बनाते ही नहीं हैं लोहे की कढ़ाई छोड़ के। तो ये हमने एक टमाटर लिया है, इसको इस तरह से कट कर दिया और ऐसे ही इसको ऐड कर दिया है, तो इससे बहुत ही अच्छा एक टेस्ट आता है, जैसे नहीं एक भंडारे वाली कढ़ी होती है उस टाइप का टेस्ट आ जाता है इस टमाटर ऐड करने से। तो कभी भी आप बनाएं इस तरह से ऐड करके ज़रूर देखें। तो देखिए ये हमने इसको कंटिन्यू चलाते हुए इसको 5 से 7 मिनट तक पकाया है, और देखिए आप इसका कलर और इसका टेक्स्चर कुछ 5 से 7 मिनट में इस तरह का हो गया है। और इस तरह से चलाते चलाते अब हमें इसे चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हम इसे उस टाइम कंटिन्यू नहीं चलाते तो ये फट जाती। अब देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, अभी इसे हमें बहुत देर धीमी आंच पे इसी तरह से पकाने के बाद लगभग 1 घंटा हमने इसे धीमी आंच पे पकाया, और उसके बाद इसमें हमने पकौड़ी ऐड कर दी, और हमारी कढ़ी जो है वो बन के रेडी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो पैंट है सौम्या का, वो हमने आयु के हिसाब का पहले तो उसको कट करके इनके साइज़ की फ़िटिंग डाल दी, और अभी जो नीचे के साइज़ का जो कट किया है वो बचा हुआ है, तो उसको देखिए किस तरह से हम डेनिम का लुक देंगे, उसको कट कर दिया है, और इसको सीधे सीधे इस तरह से फाड़ के
और इसमें सामने से जो फ्रंट में एक डेनिम लुक आता है वो लुक देंगे आयु के लिए। और पूरा बनने के बाद गाइस ये काफ़ी अच्छा लगेगा रियल में। एकदम से न्यू पैंट है सौम्या का, इन्होंने एक बार भी नहीं पहना हुआ था ये, और बस इसी तरह से रख दिया था। हमने उस दिन पुरानी सेफ खोली तो उसमें हमें ये साइड में रखा हुआ मिला। और ये एक जैकेट पड़ी हुई थी, ये भैया जी की जैकेट है जो कि हमने जब बहुत छोटे थे तब की जैकेट है, दो साल के थे तो ये इनको आ नहीं रही थी, आयु को भी नहीं आ रही थी, भैया जी को भी, तो इसका आगे का फ्रंट हमने उसमें से कट कर लिया और इसमें अटैच कर दिया जिससे इसका लुक बहुत ही अच्छा आ जाएगा। तो आज हम इसका कंप्लीट लुक आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग गया था और थोड़ी हमें तबीयत भी ठीक नहीं थी, हल्की सी वीकनेस फील हो रही थी। तो नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा हमारा कल का, उसमें हम आपको 110% इसका पूरा लुक दिखाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने ये कट करके इसमें एक रिबन लगाया है, उसके बाद में ये जो पैर का जो हिस्सा था बचा हुआ उसको कट कर दिया और उसमें से जो डेनिम में जो स्ट्रेप्स लगी होती हैं वो कट करके बना ली इस तरह से। अब इनको सिल के और फोल्ड कर लेंगे, पलट लेंगे। तो एक साइड ये जो हमने ऊपर से जैकेट का हिस्सा जोड़ा था इसको हम बिल्कुल से क्लोज़ कर देते हैं क्योंकि अंदर से इसकी जेब बन जाएगी, जेब वाला एक लुक आ जाएगा, पॉकेट वाला। तो ये एक साइड का हम इस तरह से बिल्कुल करके क्लोज़ कर देते हैं और अंदर से कट कर देंगे तो ये पॉकेट बन जाएगी। और ये देखिए हमने स्ट्रिप्स बनाई हुई हैं और इनको पलट रहे हैं इस तरह से। पलटने के बाद ये पीछे से जो स्ट्रिप्स पीछे से आगे को आती हैं वो बन के रेडी हो जाएगी। इस तरह से पलट दी हमने, पलटने के बाद इसके ऊपर हमने सिलाई चला दी है दो बार से ताकि एकदम से इसमें रेडीमेड वाला लुक एक आ जाए, रेडीमेड वाला लुक क्रिएट हो जाए। तो देख सकते हो आप, और बाकी का जो है वो हम आपके साथ कल शेयर करेंगे। ये स्ट्रेप्स इसमें अटैच कर दी हैं, बड़ी मुश्किल से इस पे मशीन चल पा रही थी क्योंकि ये जीन्स है और डबल ट्रिपल कपड़े के ऊपर तो मशीन का चलना नामुमकिन हो जाता है। आई थिंक जीन्स के लिए कोई अलग ही मशीन होती होगी, बहुत मुश्किल से। और चलाते चलाते लास्ट मोमेंट पे हमारी सुई यहाँ पे जो है वो टूट गई, इस वजह से। बाकी का जो है वो हम आपके साथ कल शेयर करेंगे। तो जी मेरा मानना है कि तबीयत ठीक हो या ना हो फिर भी थोड़े बहुत हाथ पर चलाते रहना चाहिए, एकदम से बिस्तर पकड़ लेना ठीक नहीं होता है। तो जी कैसा था आज का हमारा ये ब्लॉग, आज का ये खाने पीने और थोड़ी सी क्रिएटिविटी से भरा हुआ ब्लॉग, आज मस्ती से भरा हुआ ब्लॉग तो नहीं था क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इशू लग रहा है हमें, बीपी लो है, लग नहीं रहा है बीपी लो है हमारा। मेडिसिन लेके आए थे हम तो अब कुछ रिलीफ मिला हमें और बीपी लो था, हल्की सी घबराहट हो रही थी, हल्के से चक्कर आ रहे थे चलते हुए, तो फिर भी हमने सोचा ब्लॉग तो अपलोड करना ही है। और बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए जिससे कि मेरे अपलोड किए हुए न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बीपी लो हो सकता है। बाय बाय, टेक केयर।